Hi everyone, welcome to my channel, Ashmiti Cook Fan Fiction. My cold husband is a playboy cum. Part 16 स्टार्ट करने वाले हूँ तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक के साथ तंग अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था और वो जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था और जंगकुक खुद भी तंग की हर एक बातों को सुनकर चल रहा था और वो लोग एवरी वीक डॉक्टर के पास भी जाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि तंग और जंगकुक कोई भी अपने शैल को नहीं खोना चाहता है। और डॉक्टर तंग और जंगकुक को बोल दिया था कि जंगकुक अच्छा कर रहा है, सिर्फ और थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए तो फिर शायद लास्ट स्टेप पर जाकर सब कुछ चेंज हो जाए और शायद डॉक्टर को तंग और जंगकुक को किसी भी एक को चूज करने के लिए ना बोलना पड़े। फिर तंग और जंगकुक जो आज भी डॉक्टर के पास से आया था तब डॉक्टर तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, मिस्टर किम ये एवरी टाइम की तरह ही अच्छा हो रहा है पर आपको पता है अभी भी और कुछ वीक बाकी है और इस कुछ वीक तक आपको और भी ज़्यादा केयरफुल होना होगा। तब तंग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, तो फिर हम लोगों को आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर अभी बोल दीजिए, हम लोग अभी डिसाइड कर लेंगे। तभी जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मेरी डिसीजन बोल दिया होता हूँ। तब तंग गुस्से में आते हुए कहते हैं, चुप करो, तुम्हारी बातें यहाँ पर नहीं चलेगा, जो मैं चाहती हूँ सिर्फ वही होगा और तुम्हें मेरी ही बातों को सुनकर चलना होगा। तब जंगकुक तंग को कुछ कहने वाला था तभी डॉक्टर तंग और जंगकुक को काट देता है और कहता है, प्लीज़ अब दोनों क्या फाइट करना बंद कर सकते हैं, फाइट करना अब ठीक नहीं होगा, ये आप लोगों के लिए ही नुकसान होगा और बेबी के लिए भी। तब तंग चुप हो जाता है, तब जंगकुक खुद भी चुप हो जाता है। तब डॉक्टर जंगकुक की फिर से मेडिसिन चेंज कर देता है और कहता है, अब तुम्हें ये मेडिसिन लेना होगा। तब जंगकुक फिर से हाँ कह देता है। फिर तंग और जंगकुक डॉक्टर के साथ और थोड़ा सा बातें करता है, फिर वो लोग घर की तरफ चला जाता है। घर में पहुँचने के बाद जंगकुक तंग के साथ बातें नहीं करता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग जंगकुक को फॉलो करते हुए चुपचाप खुद भी अपने रूम में चला जाता है और वो जाने के बाद देखता है बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था जैसे वो तंग के आने की ही वेट कर रहा था। तब तंग आकर चुपचाप जंगकुक के पास बैठ जाता है और वो अपनी काम भर्स में कहता है, जंगकुक क्या हुआ है, तुम क्या मेरे ऊपर नाराज हो? तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम कैसे इतनी ज़्यादा हार्टलेस बातें कर सकते हो तंग? तब तंग कहता है, मैं कहाँ पर हार्टलेस बातें क्या हूँ? तब जंगकुक कहते हैं, क्या ये हार्टलेस बातें नहीं हैं कि तुम अपने शाल को मारने के बारे में बातें कर सकते हो? तब तंग कहते हैं, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहा हूँ, ये सिर्फ हमारी मजबूरी है, अगर लास्ट स्टेप में जाकर डॉक्टर ये कह देता है कि सब कुछ ठीक है और हम लोग हमारे शाल को रख सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली मैं रखूँगी, मैं उसे कभी भी हार्ट नहीं करना चाहूँगी, पर अगर डॉक्टर ये कहे कि मुझे तुम्हें और हमारी शाल में इससे फ्यूचर में जाकर किसी एक को चूज करना होगा तो फिर मैं ऑब्वियसली तुम्हें चूज करना पसंद करूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तब तंग जंगकुक को जितने ज़्यादा हो सके अपने काम भर्स में कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगी? तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, तुम्हें समझना चाहिए, ऐसे भी एक दिन सबको ही मानना है, तो फिर अगर मैं कुछ मंथ के बाद मर जाऊँ तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? पर तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके बाद तुम सब लोग हैप्पी हो पाओगे और उसके साथ एक न्यू पर्सन भी इस वर्ल्ड में आएगा। तब तंग ये सुनकर उसे अपने सिर में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो जंगकुक को कहता है, तुम अब खुद कह रहे हो मुझे ये सारी बातें, तुम्हें नहीं लगता तुम खुद हार्टलेस हो? तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि चल आगे भी आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे ही जाने दूंगी, तुम्हें ऐसा लगता भी है तुम्हें पता है तब कितनी ज़्यादा हार्ट फील होता है। तब जंगकुक कहता है, पर तुम ये सारी बातें नहीं कह सकते हो। और ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें समझना चाहिए कि एक न्यू पर्सन आना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तंग कहता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होगा जब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, पर तुम हमारी शाल को ले आने के लिए खुद की लाइफ को दे दोगे तब
सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, राइट? सीरियसली, तुम्हें कौन सी साइड से लगता है कि सब लोग खुश होगा? कोई भी खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग उसे जानते तक नहीं हैं। अगर वो चला जाएगा तो फिर हम लोग कितने दिन सैड होंगे? एक दिन, दो दिन, एक मंथ, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों के पास दूसरी चाइल्ड आ जाएगा। पर अगर तुम चले जाओगे तब कितने लोग सैड होगा तुम्हें पता भी है? तुम्हारे साथ जो भी लोग हर एक पल बिताया है, तुम्हारे साथ जो लोग रहा है, उन लोगों को कितने ज़्यादा सैड फील होगा तुम्हें पता भी है? तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें समझना चाहिए। तब जंगकुक थैंकू पर इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, और मेरा क्या, मैं तो कभी भी उसे भूल नहीं पाऊंगी, तो फिर इस बारे में बातें करना बंद करो। मैं और इस बारे में कोई भी बातें नहीं सुनना चाहती हूँ, चाहे डॉक्टर कुछ भी बोल दे, पर मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि मेरा बॉडी है, जो मैं चाहती हूँ वो मैं हर एक चीज करूँगी, मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है। यह कहकर जंगकुक तैंग की तरफ और गुस्से से नहीं देखता है। तब तैंग जंगकुक को समझाना चाहता था, पर वो सोचता है कि अब जो भी हो जाए उसे फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। सिर्फ तैंग को जंगकुक की केयर करना चाहिए और लास्ट स्टेप में जाकर सिर्फ एक गुड न्यूज़ की तैंग की वेट है। फिर तैंग जंगकुक को कहता है, ओके मैं और नहीं बोलूँगी, पर जो भी हो तुम्हें भूख लगा है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। तब जंगकुक तैंग की तरफ आउट करते हुए देखते हुए कहता है, जो मर्जी वो बना लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तब तैंग कहता है, बाद में रिजेक्ट मत करना। तब जंगकुक कहता है, नहीं करूँगी। तब तैंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक के फोरहेड पर एक किस करता है और जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है। पर तैंग जाने के बाद ही जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है और जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सबकी खुशी को सूस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी की इनोसेंट लाइफ को नहीं ले सकती हूँ। मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि तुम आगे जाकर फ्यूचर में खुश रहो। ऐसे भी मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ कुछ मंथ ही हुआ है कि हम लोग अब एक साथ रहने लगे हैं, तो फिर तुम कुछ मंथ के बाद फिर से मुझे भूल जाओगे, तो फिर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा, तो फिर मैं होप करूँगी कि तुम लाइफ में किसी और के साथ रहोगे, अगर मैं नहीं रहा तो। और ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर वो फिर अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है और अपने स्टमक को प्यार से रफ करते हुए कहता है, मॉम तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा और फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है। फिर तैंग जब जंगकुक के लिए फूड रेडी कर लेता है, तब तैंग जल्दी से उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है और आने के बाद जंगकुक को ठीक ठाक से बेड पर बैठाते हुए जंगकुक को कहते हैं, ये रहा तुम्हारी फूड। तब जंगकुक तैंग को पाउट करते हुए कहते हैं, तुम मुझे अपने हाथों से नहीं खिला सकते हो। तब इसे सुनकर तैंग स्माइल करता है और कहते हैं, जो मेरी बेबी बॉय चाहता है वो हमेशा उसकी तैंग कर सकता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, फिलहाल तो मुझे अब फूड खिलाओ, वरना मैं भूख की बजाय सेंसलेस हो जाऊंगी। तब तैंग स्माइल करते हुए जंगकुक को अपने हाथों से फूड खिलाने लगता है और तैंग की तरफ जंगकुक देखते हुए स्माइल कर रहा था और अपने फूड को खा रहा था। फिर जंगकुक के जब खाना हो जाता है, तब जंगकुक तैंग को कहते हैं, तुम भी अपने फूड लेकर आ सकते थे, मैं भी तुम्हें खिला सकता था। तब तैंग कहता है, इट्स ओके जंगकुक। तब जंगकुक थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ मेरी फूड को शेयर भी नहीं कर पाई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी था और ये सिर्फ मेरे लिए था, तो फिर मैं क्यों शेयर करूँ। तब तैंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया था, तो फिर तुम्हें कोई शेयर करने के लिए कह भी नहीं रहा था। जो भी हो मुझे थोड़ा सा वर्क है, मैं जा रही हूँ, तब तक खुद की ख्याल रखना। और एक बात, बिल्कुल भी ज़्यादा चलना मत, सिर्फ रूम में रहोगे, और अगर बोर फील करने लगो कभी भी किसी भी टाइम पर मुझे कॉल करोगे, मैं तुरंत आ जाऊँगी। और तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं अभी मॉम के साथ बातें करके मॉम को यहाँ पर आने के लिए कह सकती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, मैं एक बेबी नहीं हूँ, तुम जाओ। तब तैंग कहते हैं, पर मुझे कॉल करना मत भूलना, मैं तुमसे हर वक्त पूछते रहूँगी कि तुम कैसे हो। तब
जंगू कप नाइस को रोल करते हुए कहता है, तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे मैं अभी मरने वाली हूँ। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है, इस बारे में बातें मत करना। पढ़े कहकर तंग गुस्से से जंगू की लिप्स पर एक बहुत ज़ोर से बाइट कर देता है। तब जंगू को पेन फील होने लगता है पर वो नहीं चिल्लाता है। फिर तंग जंगू की लिप्स को चोट तो है कहता है, ये एक पनिशमेंट था। और ये कहकर वो जंगू के फोरहेड पर किस करते हुए जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगू सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, बैड बियर। 1 आवर बाद जंगू जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो गया था तंग से, क्योंकि तंग उसे 5 मिनट बाद पर टेक्स्ट कर रहा था और एक ही सवाल पूछ रहा था, जंगू को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, जंगू क्या अब ठीक फील कर रहा है और ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन। और इस वजह से जंगू गुस्से में था और वो गुस्से में तंग को कॉल करता है। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है और कहता है, तुम क्या ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ है, मैं क्या अभी आओ, रुको मैं आ रही हूँ। तभी जंगू कहता है, तंग शट अप, तुम अपने वर्क के लिए गए हो या तो मेरे साथ बातें करने के लिए, अगर बातें ही करना चाहते हो तो फिर घर में ही आ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा बार बार मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, मैं स्लीपी फील कर रही हूँ पर तुम मुझे सोने ही नहीं दे रहे हो। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा शेम फील करने लगता है और वो तुरंत कहता है, ओके तुम सो जाओ। तब जंगू कहता है, ओके और तुम जब अशेम फील कर रहे हो वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा डांट रहा था। तब तंग कहता है, और मुझे पता है। तब जंगू कहता है, ओके भाई हबी, लव यू सो मच। तब तंग स्माइल करता है और उसके बाद जंगू कॉल को कट कर देता है। तब तंग अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। तब तंग की सेक्रेटरी तंग को देखते हुए स्माइल करके कहता है, सर आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तब तंग ये सुनकर हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग की सेक्रेटरी कहता है, अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए फिर से कहता है, हम लोग अब बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन में पूरी तरह से फंस गए हैं हम। तब ये सुनकर तुरंत तंग की सेक्रेटरी कहते हैं, पर सर क्या हुआ है। तब तुरंत तंग अपनी सेक्रेटरी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि जंगू की हालत अब कैसा है। तब ये सुनकर तंग की सेक्रेटरी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहते हैं, ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा एक रॉन्ग टाइम है और मुझे लगता है कि आपको अपने हस्बैंड की और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तब तंग कहते हैं, मैं कर रही हूँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि लास्ट स्टेप पर जाकर डॉक्टर क्या बोलेगा। तब तुरंत तंग की सेक्रेटरी कहते हैं, सर आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए और हम एक गुड हस्बैंड हैं, तो फिर आप अपने हस्बैंड की ठीक ठाक से देखभाल जब की कर रहे हैं तो फिर उसको कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ सर अब सड मत होइए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी बेबी और आपकी हस्बैंड दोनों ही ठीक रहेगा। तब तंग अपने धीमी आवाज़ में कहते हैं, मैं भी यही विश करती हूँ कि वो दोनों ही सेम रहें क्योंकि वो दोनों ही मेरी अब वर्ल्ड हैं। तब ये सुनकर तंग की सेक्रेटरी स्माइल करता है और वो दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसकी बॉस अब एक केयरफुल पर्सन बन गया था, क्योंकि हमेशा उसकी बॉस सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर के लिए किसी को यूज़ करता था, पर अब उसकी बॉस अब अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। फिर तंग की सेक्रेटरी कहता है, सर मैं आपको एक डॉक्टर के बारे में बोल सकती हूँ, शायद वो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की भी ऐसी ही प्रॉब्लम था पर वो लोग अब हैप्पीली रह रहा है और उन लोग की कुछ चाइल्ड भी है। तब ये सुनकर तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत कहते हैं, हाँ प्लीज़ बोलो, मैं उसके साथ मिलना चाहूँगी, मैं एक बार चाहती हूँ कि उसके साथ मैं और चंगू की एक बार मिलूँ। तब तुरंत तंग के सेक्रेटरी कहता है, वो एक बहुत ही अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट है और स्पेशली आपके हस्बैंड की जिस हालत है उस तरह की पेशेंट की ही ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर मैं होप करूँगी और मैं जल्द ही आपको उसकी नंबर भी सेंड कर दूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड से मुझे पहले लेना होगा। तब तंग तुरंत कहते हैं, मुझे आधे घंटे के अंदर ही दो, अभी कॉल करो अपनी फ्रेंड को और जल्दी से मुझे दो, मैं आज ही जाऊँगी। तब तुरंत ये सुनकर तंग की सेक्रेटरी स्माइल करता है और कहते हैं, ओके सर मैं अभी उसके साथ बातें करती हूँ। ये कहकर तंग की सेक्रेटरी जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब
तब उस पर करते हुए क्या थे, प्लीज गॉड सिर्फ ये डॉक्टर जंगू को जैसे भी करके सेव कर ले और ये बोल दे कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मैं उन दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ सिर्फ वो डॉक्टर ये सब कुछ कर पाए, ये सिर्फ एक मिरेकल हो जाएगा मेरे लिए, मैं मेरी लाइफ में इस मिरेकल को चाहती हूँ प्लीज़। और ये कहकर तंग बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि उसके पास अब एक होप हो रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तंग की सेक्रेटरी वापस आ जाता है और तंग को उस डॉक्टर की नंबर दे देता है और वो कहता है सर आप उसके साथ बातें कीजिए। और ये कहकर उसकी सेक्रेटरी जल्दी से बाहर चले जाता है। तब तंग जल्दबाजी में उस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को कॉल करता है। तब डॉक्टर जो 3 रिंग के बाद कॉल को उठा लेता है। तब तंग की हार्ट बीट जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और वो डॉक्टर की वॉइस को सुनकर शॉक हो जाता है। तब डॉक्टर तुरंत कहता है हेलो कौन बोल रहा है। तब तंग कहता है मैं मिस्टर किम तंग बोल रही हूँ। तब डॉक्टर कहता है वो मिस्टर किम तंग अब क्या किम कंपनी की सीईओ है। तब तुरंत तंग कहता है हाँ मैं वही बोल रही हूँ। तब डॉक्टर कहता है हाँ मुझे अभी मेरे एक पेशेंट ने कॉल करके कहा था कि आपके साथ मिस्टर किम नाम की कोई पर्सन बातें करेगा, तो फिर मैं खुश हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है। तब तंग तुरंत कहता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड को है, हम लोग कब आपके साथ मिल सकते हैं। तब तुरंत डॉक्टर कहता है अब जब चाहते हैं तब मिल सकते हैं क्योंकि मैं कुछ दिनों से फ्री हूँ। तब तंग डॉक्टर को कहते हैं नहीं मैं पहले आपको मेरे हस्बैंड के बारे में बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं कोई भी झूठी होप नहीं चाहती हूँ, ये बाद में जाकर मुझे और मेरे हस्बैंड को हर्ट करेगा। तब तुरंत डॉक्टर कहते हैं हाँ प्लीज़ अब बोल सकते हैं मुझे ताकि मैं अभी अंदाज़ा लगा पाऊँ कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तब तंग कहते हैं उसके मम की ब्लड लॉस्ट की वजह से डेथ हो गया था और डॉक्टर बोला है कि जंगू की भी सेम चांसेस है और डॉक्टर एबॉर्शन करने के लिए कहा है पर हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जंगू पहले तो अपनी चाइल्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं भी करती हूँ पर मैं उससे भी ज़्यादा मेरी जंगू से प्यार करती हूँ, तो फिर मैं अब क्या कर सकती हूँ, तो फिर अब क्या उसे सेव कर सकते हैं, अगर उसे अब सेव करेंगे तो फिर अब जितनी ज़्यादा मनी चाहते हैं मैं आपको उतनी ज़्यादा पे कर सकती हूँ। तब तुरंत डॉक्टर कहता है नहीं मैं एक्स्ट्रा मनी नहीं ले सकती हूँ, जो मेरी पेमेंट है मैं उसे ही लूँगी और हाँ मैं उसकी ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। तब तंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं क्या सच में कर सकते हैं। तब तुरंत डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं कर सकती हूँ। तब तंग कहते हैं ओके ठीक है तो फिर हम लोग शाम के 7 बजे आपके वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मुझे जल्दी से एड्रेस भेज दीजिए। तब तुरंत डॉक्टर कहते हैं ओके मैं भेज दे रही हूँ। तब तंग कॉल को कट कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो जल्दी से जंगुक को कॉल करने के बारे में सोचता है, पर तंग को याद आता है कि जंगुक सो रहा था। तंग अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जंगुक को कॉल करता है। तब जंगुक जो इरिटेट होकर कॉल को उठा लेता है और अपने स्लीपी वॉइस में कहता है तुम्हें पता है मैं मेरी ड्रीम वर्ल्ड में जाने ही वाला था पर तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ड्रीम वर्ल्ड से किक मार के निकाल दिया है। तब तंग तुरंत कहता है मैं जोक के मूड में नहीं हूँ। तब जंगुक कहता है मैं अभी जोक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली सो रहा था पर तुम मुझे सच में उठा दिया हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे सोने दो मैं टायर्ड हूँ। तब तुरंत तंग कहते हैं जंगुक आज हम लोग शाम के 7 बजे डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर प्लीज़ रेडी होकर रहना, मैं जल्द ही आ जाऊँगी घर में और उसके बाद हम दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे। तब जंगुक गुस्से से कहते हैं मैं नहीं जाऊँगी। तब तंग कहते हैं क्यों नहीं जाओगे तुम क्यों पागल हो। तब जंगुक कहते हैं अगर मेरी शाल को मानना है तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, अगर तुम्हें जाना है तो फिर तुम जाओ, तुम प्रेग्नेंट होकर जिसे मानना चाहते हो मर सकते हो पर मैं नहीं कर सकती हूँ। तब तुरंत तंग कहता है पहली बात मैं नहीं हो सकती हूँ और दूसरी बात हम लोग कोई भी अबॉर्शन नहीं करा रहे हैं, मैं तुम ये कहना चाहता था कि हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने वाले हैं और वो तुम्हारी ट्रीटमेंट करने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है मैं सुना हूँ, तो फिर हम लोग होप कर सकते हैं कि तुम्हारी हेल्थ सोली सोली ठीक हो जाए। तब ये सुनकर जंगुक तुरंत कहते हैं क्या सच में। तब
तांग कहता है, हाँ इसी बस से हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, तो फिर प्लीज़ तुम रेडी होकर रहना। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो तुरंत कहते हैं कि मैं रहूँगी। तब तांग हाँ कह देता है। फिर वो जंगकुक के साथ जो बातें करना फिर से स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जंगकुक खुद भी अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और तांग खुद भी हैप्पी था, और वो दोनों हैप्पीली एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।